अरुण सिंह जी, मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा राजनीति के फ्लैशबैक में हम जाते हैं, पीछे जाते हैं। जो भी दर्शक आज आपको देख रहे हैं, एक समय वह था जब पूरे पूर्वांचल में भाजपा की सीट पर आप चुनाव लड़ते थे, और उस समय पूर्वांचल में पहले ऐसे आप विधायक थे जितने वोट आप पाते थे, शायद पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में वैसा किसी बीजेपी के विधायक ने संघर्ष नहीं किया। भाजपा का एक वो दौर जब अटल, आडवाणी, जोशी, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह के चहेते आप थे, और गाजीपुर जनपद के लिए विधायक न रहते हुए भी आपने लगातार धरातल पे काम भी किए, और भाजपा के चहेते होने के बाद भी ऐसा कारण क्या था कि अरुण सिंह जैसा नेता भाजपा से कट गया? अगर मैं जानूं, आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के कद्दावर नेता अरुण सिंह जी के साथ। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। पहली बात तो मैं विधायक हुआ नहीं, लेकिन नेता जरूर बना, और मैं जब भी चुनाव लड़ा, 3 बार विधानसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा, पार्टी की लहर नहीं थी, सपा बसपा की लहर हुआ करती थी, लेकिन मैं डेरा डेरा, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, पगडंडी घूम करके सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का विश्वास जीत करके मैं चुनाव लड़ा। कभी बाहुबल धन बल पर चुनाव नहीं लड़ा, शासन सत्ता के दंभ पर भी चुनाव नहीं लड़ा, आम जनता का विश्वास जीत करके चुनाव लड़ा। लोग कहते थे कि अरुण सिंह क्या चुनाव लड़ रहे हैं, सपा की काश्तकारी है, बसपा की काश्तकारी है। उस समय सपा बसपा की ही लहर हुआ करती थी, बीजेपी हाशिया पर हुआ करती थी, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ता था तो कुछ मतों से पीछे रह जाता था। अब वही लोग कहते थे कि अरुण सिंह बिनिया कर रहे हैं, तो मैं बिनिया करके भी, बिनिया के पीछे मतलब यही था कि एक एक वोट हर जात बिरादरी वर्ग धर्म में से मैं विश्वास भरोसा से प्राप्त करता था, और मैं मुकाम तक पहुंचता था, कुछ वोटों से पीछे रह जाता था। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मैं कभी हार नहीं माना, और वही कारण रहा कि कोई भी नेता रहा हमारे साथ दौड़ना सीख गया, डेरा डेरा डंडा डंडा जाना सीख गया, मरने जीने में जाना सीख गया। इधर बीच के कुछ खंड काल में मैं नहीं था, तो फिर वही सुनने में आया कि कोई नेता किसी के दुख दर्द में कभी गया नहीं, किसी का न दरवाज़ा किया, न किसी के सुख दुख में गया। फिर मैं आकर के शुरू किया हूँ तो फिर कुछ नेता लोग दौड़ रहे हैं। मैं जात वर्ग धर्म के नाम पर वोट नहीं कभी मांगा, मैं इंसाफ और इंसानियत के नाम पर राजनीति किया। सभी जात वर्ग धर्म के लोगों का हमारे ऊपर भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, लोगों ने अपना नेता हमें माना। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बेबाकी से, भाजपा का एक वो दौर जब अटल, आडवाणी, जोशी, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह के चहेते आप थे, और गाजीपुर जनपद के लिए विधायक न रहते हुए भी आपने लगातार धरातल पे काम भी किए, और भाजपा के चहेते होने के बाद भी ऐसा कारण क्या था कि अरुण सिंह जैसा नेता भाजपा से कट गया? अगर मैं जानूं, पहली बात तो मैं 1998 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, और 99-2000 में मैं कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टरी का चुनाव जीत करके कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना। उसके पहले भी मैं कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हुआ करता था जब कांग्रेस में था। उसके पहले जिला पंचायत का चुनाव मैं जीता था जब कांग्रेस में था। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन करके, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को अपना मान सम्मान समझ करके मैंने राजनीति किया। राजनीति में कोई न कोई ऊपर का नेता ऐसा होता है जिसका बर्दस्त होता है, जिसके दम पर राजनीति भी की जाती है, नहीं तो फिर लोग हाशिए पर हो जाते हैं। यह सही बात है कि राजनाथ सिंह
हमारे नेता हुआ करते थे, और मैं ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को अपना सर्वस्व समझ करके मैं राजनीति किया। उस समय गुंडे माफियाओं का बहुत बोलबाला था और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई साहस का इस कद का व्यक्ति नहीं हुआ करता था जो कि उनका जवाब दे सके। लेकिन मैं अपने जमीर के बल पर, चेतना के बल पर, जागृति के बल पर, मैं बिना परवाह किए गुंडे माफियाओं से भी लड़ा, उन्हें सफल तक नहीं होने दिया। अब अलग बात है कि सरकारें उनके पीछे खड़ा हो जाया करती थी तो अपराध में जरूर वो सफल हो जाया करते थे, लेकिन क्षेत्र की राजनीति में मैं उनका बोलबाला होने नहीं दिया। जनता हमारे ऊपर भरोसा की, जनता हमारे साथ खड़ी रही, आज भी जनता हमारे साथ खड़ी है, यही हमारी उपलब्धि है। अगर गाजीपुर नगर निकाय का चुनाव है, चर्चाएं जोरों पर हैं कि यार अरुण सिंह किसकी ओर जाएंगे। बहुत सारे लोगों से जब ग्राउंड जीरो से चर्चाएं हो रही हैं तो लोग यही कहते हैं कि एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समुदाय है कि हर जन तक अगर अरुण सिंह कहते हैं, वो किसी भी जाति विशेष की बात हो तो लोग सुनते हैं कि नहीं अरुण सिंह कह रहे हैं सच में हम उधर जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि नगर निकाय के बारे में मूड क्या है आपका, सोचा है? देखिए, जहाँ तक नगर पालिका का चुनाव जो चल रहा है, मैं 3 बार विधानसभा लड़ा हूँ, मुझे ठीक से अध्ययन है कि यहाँ वोट का समीकरण क्या है। लेकिन नगर में हमारे संबंध भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मुसलमानों से कटु संबंध नहीं था, क्योंकि बहुत से ऐसे मुसलमान नगर में हैं जो गंगा जमुनी संस्कृति सभ्यता के साथ खड़े रहते हैं, कभी यहाँ पर दंगा फसाद पसंद नहीं किए हैं, अमन चैन वाले हैं। ऐसे लोगों से हमारा संबंध रहा है और आज है भी, जो अमन चैन वाले हैं। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के भी हैं, वो आज तक हमारे साथ हैं। अब नफरत की भावना कोई पैदा करके उनको अलग कर दे तो उनका विषय है। इसलिए हमारा हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म में वोट यहाँ पर है और व्यक्तिगत वोट भी है, संबंधों के आधार पर भी हमारा वोट है। जब मैं विधानसभा लड़ा था 2012 का, उस समय समाजवादी पार्टी का एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ा था जो हमारे नगर के बीजेपी मतदाताओं में सेंध लगा दिया, जिससे मैं कुछ वोटों से पीछे रह गया। पीछे वाला जो 2017 का विधानसभा का चुनाव था, मैं तो नहीं था, उसी तरह की टूटन नगर में फिर हुई थी। उसी दम पर लोग चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मेरा साफ कहना है कि जो इस समय देश प्रदेश में राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर जो काम हो रहा है, जो बातें चल रही हैं, उस दृष्टिकोण से मोदी जी हो, योगी जी हो, उनको मैं अपना आदर्श मान करके यह भरोसा रखता हूं कि हमारे जो भी शुभचिंतक हमदर्द होंगे वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होकर के मतदान करेंगे, वो किसी भी जात बिरादरी धर्म के हों। बहुत से ऐसे मुसलमान भाई भी आए थे हमारे साथ, पास पूछ भी रहे थे, हमने उनको यही बात समझाई है। बाकी यह लोकतंत्र है, सभी मतदाता स्वतंत्र हैं, कोई किसी का बधुआ है नहीं। यही तो एक स्वतंत्रता है कि मतदाता स्वतंत्र होकर के मतदान करता है, यह अधिकार सबके पास सुरक्षित है। नगर का विकास, नगर में अमन चैन हो, गंगा जमुनी संस्कृति सभ्यता प्रबल हो, ये सब देख करके नगर का चुनाव होना चाहिए और लोगों को मतदान करना चाहिए। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, राजनीति में एक वो दौर था जब विधानसभा का कि टिकट सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कन्फर्म है भैया कि जिस जगह से अरुण सिंह हैं वहाँ से भाजपा का कोई नेता खड़ा नहीं होता था। उसके बारे में पार्टी
जो ऊपर तक के लोग बैठते हैं, कार्यकारी सदस्य हैं, सोचने की बात नहीं है, अरुण सिंह को आंख बंद करके भाजपा का टिकट देना है और कोई था भी नहीं। लेकिन आज अगर अरुण सिंह भाजपा से दूर हैं तो लोगों को आप क्या कहेंगे? चैनल से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर भाजपा, लोग कहते हैं ना कि अरुण सिंह जाएंगे तो भाजपा में जाएंगे वरना किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अगर मैं चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया तो वही सोच थी राष्ट्रवाद, और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये मान करके सदस्यता ग्रहण किया था कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी संघर्ष करती है, उनके सम्मान के लिए संघर्ष करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन धीरे 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 मैं यहाँ तक देखा हूँ कि इसमें बड़ी टूटन आई है। अब काम बनाऊ लोग भाजपा में बहुत हो गए हैं, और जो भाजपा में हैं भी उन निष्ठा से नहीं हैं, वो अपने स्वार्थ बस हैं। और जब तक निष्ठावान लोग बीजेपी के साथ जुड़ करके काम नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रवाद हमारा प्रबल नहीं होगा, प्रखर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। राष्ट्रवाद के लिए सबको एक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। बकिया मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी के संगठन पर कोई आरोप लगाऊं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता ग्रहण करके और बुरे दिनों में भी काम किया, ईमानदारी से किया, मजबूती से किया, जान हथेली पर रख करके किया, वह बीजेपी अब उस स्तर की है नहीं। यहाँ संगठन को लोग अपने जेब का संगठन चाहते हैं, और जब जेब का संगठन होना प्रारंभ हो गया तो संगठन कितना मजबूत होगा यह सोचने का विषय है, और यही विचारणीय विषय भी है कि ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते थे अब वो जेब की बात करने लगे हैं। राष्ट्रवाद की विचारधारा जब प्रबल रहेगी, चाहे हम किसी भी दल में हों, संगठन में हों, निर्दल हों, कहीं भी हों, अगर राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर है तो हमारा आत्मबल मजबूत है। उसी मजबूत आत्मबल के साथ मैं समाज में जनसेवा में लगा हुआ हूँ। लोग मानते हैं कि अरुण सिंह भाजपा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मैं केवल राष्ट्रवाद के साथ हूँ। अगर मैं आपसे जानूँ, गाजीपुर ज़िले में एक विशेष राजनीति की धुरी रहे हैं आप, लेकिन आने वाले समय में अरुण सिंह क्या कोई ऐसा कुछ करने वाले हैं कि धमाका कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, राजनीति में पद पोस्ट पर मैं नहीं रहा, एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही रहा और आज तक भी कार्यकर्ता ही हूँ, तो हमें कोई इसका मायने नहीं है कि हमने क्या पाया क्या खोया। ना मैं कुछ पाया ना मैं कुछ खोया, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से ही हूँ, और सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है, और सम्मान पाने के लिए मैं सम्मान करता भी हूँ। अब यह जरूर है कि इस दूषित वातावरण में सम्मान के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा कि बहुत सारे मुकदमे हमारे खिलाफ हो गए, उसकी भी मैं परवाह नहीं किया, क्योंकि भाजपा के भी बड़े बड़े नेता भाषण दिया करते थे कि जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा, उसको पार्टी तवज्जो देगी, सम्मान देगी, पद देगी, पोस्ट देगी। हमें नहीं लगता कि हमसे अधिक कोई कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष किया हो, लड़ा हो, धाराएं लगी हों, और इस समय तो सत्ताधारी दल है। केवल हमारी एक अपेक्षा सत्ताधारी दल संगठन के लोगों से थी कि गरीबों के साथ खड़ा हों, उन्हें न्याय दिलाएं। आज गरीब बेहाल है, परेशान है, तहसील में चले जाइए, ब्लॉक पर चले जाइए, थानों में चले जाइए, जो गरीब आदमी है, मजलूम है, जो लाचार है, बेबस है, उसकी बात कहीं न्यायप्रिय ढंग से नहीं सुनी जा रही है। यह कष्ट का विषय है, और यह काम सत्ताधारी दल संगठन के लोगों का है, खड़ा होकर के करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ खरवार महासभा के लोग आए थे, नीतिगत निर्णय में उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र अटल जी के आदेश से मिल रहा था, उस समय रोक दिया गया है।
गोंड महासभा के लोग आए थे, अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट कुछ कुछ जगह रोक दिया गया है, उनके बच्चे नौकरी के लिए लालायित हैं, नौकरी पा जा रहे हैं, प्रमाण पत्र बिना छूट जा रहे हैं। समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए सत्ताधारी दल के लोगों को खड़ा होना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने ही गोंड खरवार को भी यह अधिकार दिया है, इसी तरह से बहुत से लोगों को दिया है, लेकिन वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। ये काम किसका है? सत्ताधारी दल संगठन के लोगों का है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं भाजपा में नहीं हूँ, लेकिन अलग हट करके भी मैं किसी के भी हक हुकूक़ के लिए संघर्ष करता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में आए और तुरंत पद पा गए, और मैं सदैव संघर्ष किया हूँ और सफर में हूँ, चल रहा हूँ। सफलताओं में तो लोग साथ होते हैं, लेकिन संघर्षों में व्यक्ति अकेला होता है, वह मैं अकेला हूँ और संघर्ष करता रहूँगा, करता रहता हूँ। अगर लगातार विकास की बात होती है, 95 से नगर निकाय चुनाव प्रकाश में आया, यहाँ भाजपा का बोलबाला है। अभी जो लोग बात कर रहे हैं कि नहीं भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस समय नगर निकाय चुनाव में जरूरतें क्या हैं और प्रत्याशी इस समय अगर मैं कहूँ किसकी तरफ? देखिए, मैं तो इधर 6-7 साल तक नहीं रहा, आने के बाद धीरे धीरे पता लगा है। फिर भी नगर में और जगह की अपेक्षा हम देखे हैं कि गाजीपुर नगर में विकास अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है। कुछ हो सकता है कि कमी रह गई हो, आरोप भी लगे चेयरमैन के ऊपर, तो जो काम करता है उसी के ऊपर आरोप भी लगता है, और जो काम ही नहीं करता उसके ऊपर क्या आरोप लगेगा। तो राजनीति में आरोप लगना न लगना ये एक बहुत साधारण सी अब बात हो गई है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। लेकिन मैं किसी के ऊपर न कीचड़ उछाल सकता, न इस तरह की हमारी कोई दूषित भावना है। विकास के नज़रिए से अगर मैं देखूँगा तो हमारा नगर काफ़ी विकासशील है, और हमारे यहाँ एक चंचल सिंह है MLC, अकेले भाजपा के नाम पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी प्रयास रहता है, हम देखे हैं। और एक स्वच्छ छवि वाला, ईमानदार छवि वाला नेता है, कभी कोई और हुआ करता था ईमानदार छवि का, लेकिन अब तो इतनी गिरावट आ गई है कि अब कोई दम नहीं कर सकता MLC के अलावा कि हम भी ईमानदार हैं। यही एक बड़ी खूबी है कि BJP में एक्का दुक्का ऐसे लोग हो जाते हैं जो ईमानदारी दिखाते हैं, और हमें लग रहा है कि चंचल सिंह कुछ नगर में काम भी किए हैं, आने के बाद हम पता लगाए हैं, और लगातार चुनाव में शायद लगे हुए भी हैं। बहरहाल ये सब मामला भाजपा का है, उस संगठन का है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छी बात को अच्छी कहनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, कैलाश यादव हमारे प्रबल विरोधी थे, धर्मरपुर का पुल पास कराए थे, मैंने उनका स्वागत किया था, लेकिन वह पुल ही रह गया, केवल वोट लेने के लिए पास कराया गया था। कई बार सपा की सरकार भी 2 बार बनी, लेकिन वो पुल बन नहीं पाया, तो मैंने विरोध भी किया। आते आते भाजपा की सरकार हुई, तब जाकर के वह पुल बना। तो अच्छी बात को अच्छा कहना ही चाहिए। मनोज सिन्हा जी भी अच्छा काम किए हैं रेलवे के मामले में, ये जो पुल किए बना है वो अलग बात है कि गहमरी जी का सपना था, गहमरी जी ने इसको उठाया था, तो नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की हुआ करती थी। उस समय गहमरी जी सांसद हुआ करते थे और संसद के पटल पर उन्होंने रखा था, अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था, लेकिन बीच में जो भी आया नहीं प्रयास किया। मनोज जी भी पहली बार आए तो नहीं प्रयास किए, तो इसके लिए तो हम बधाई देंगे मोदी जी को ना, कि उनकी सरकार हुई तो फिर मनोज जी भी प्रयास किए और ये सफलता मिली। अगर आपने मनोज सिन्हा की बात की तो मैं अगर आपसे जानूं कि सांसदी का वो चुनाव और इतना मेहनत करने के बाद, मतलब लगातार गाजीपुर के लोग इस स्टेशन को देखते हैं, यार गाजीपुर में विकास हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। वीर अब्दुल हमीद सेतु का बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया,
आप क्या कहेंगे, क्या जातिगत हो गया या फिर बसपा या सपा का गठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के नाम पर भी वोट मिला है, विकास जो भी हुआ है उसके नाम पर वोट मिला है, तभी वोट बीजेपी का बढ़ा है। नहीं तो गाजीपुर लोकसभा में जातिगत आधार पर बीजेपी पीछे है। और मनोज जी की जहाँ तक बात है, सांसद की हैसियत से गाजीपुर में कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जिसको मैं कह सकूं। हाँ, मंत्री मंत्रालय की हैसियत से गाजीपुर में उन्होंने काम किया है जो ऐतिहासिक है, बधाई के पात्र हैं। लेकिन चुनाव की जहाँ तक बात है, हम लोग भी कई चुनाव लड़े हैं, वो भी चुनाव लड़े हैं, हम लोग तो साथ साथ उनके रहे, प्रचार प्रसार किए हैं, गुंडे माफियाओं का दंश भी झेले हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो स्वरूप कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए वो रहा नहीं उनका, आरोप लगने लगे, जात बिरादरी के नाम पर लगने लगे। हालांकि मैं छत्री हूँ तो जाहिर सी बात है कि हमारी रिश्तेदारियाँ छत्री में ही होंगी, हमारे अगल बगल छत्री अधिक होंगे। लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है कि समाज का हर व्यक्ति हमारा है, हमारे अंदर यह दम्भ नहीं होना चाहिए कि मैं केवल भाग्य भरोसे या किसी के नाम पर चुनाव जीता हूँ। यह अलग बात है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट मिले, जो भी मिले, नहीं तो और बहुत कम वोट मिला होता, क्योंकि जातिगत समीकरण यहाँ का बहुत गड़बड़ है। और जब चुनाव आता है तो जातिगत भावनाओं में लोग उलझ जाते हैं, विकास को कम देख पाते हैं। मैं उदाहरण दूं आपको, मऊ में कल्पनाथ राय जी बहुत विकास किए, आज सारी देन विकास की उन्हीं की है। लेकिन जब भी वो लोकसभा लड़ते थे तो मऊ विधानसभा से हर बार हार जाते थे, फिर रसड़ा में जा कर के जीतते थे। और वो कहते थे कि चंद्रशेखर जी के प्रयास से हम जीत गए। चंद्रशेखर जी व्यक्तिगत रूप से संबंधों का निर्वहन करते थे, हम लोग भी उसी तरह से व्यक्तिगत रूप से संबंधों का भी निर्वहन करते हैं और धरातल पर खड़ा होकर के मान सम्मान के लिए भी संघर्ष करते हैं। जिस दल पार्टी में रहते हैं ईमानदारी से, निष्ठा से उसके सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों, एक खास मुलाकात गाजीपुर के राजनीति के पक्ति के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जब राजनीति शुरू किया, सच में उस समय राजनीति का दौर कुछ और था। आज भी अरुण सिंह की चर्चाएं होती हैं, लोगों ने कहा भी, और आपने देखा बेबाकी से अरुण सिंह जी ने अपनी बातों को रखा। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर से अरुण सिंह जी का ये खास इंटरव्यू ज़रूर देखें। अरुण सिंह जी, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बधाई आपको कि आप अपना इतना मूल्यवान समय दे करके जनहित के बारे में जो आपकी सोच है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी अपील है कि जनता भी इसी सोच के साथ निर्भीक होकर के इस चुनाव में मतदान करें, मान सम्मान और विकास की धारा से जुड़ करके, राष्ट्रवाद से जुड़ करके, राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता से जुड़े।